गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमें क्या दिया हुआ, ये दो ट्रायंगल दिए बेटे, एक तो एबीसी और एक डीबीसी, ये दो ट्रायंगल दिए हैं, एबीसी और डीबीसी, ये दोनों आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी दोनों आइसोसेलस ट्रायंगल, और दोनों का बेस कॉमन है बीसी, ए बी सी का बेस भी बीसी है और डीबीसी का बेस भी बीसी है, दोनों का कॉमन बेस है। तो आइसोसेलस ट्रायंगल है समझ लो बेटा, ये इसकी ए बी और ए सी इक्वल होगी और बी डी और इस ट्रायंगल की बी डी और डी सी होगी, ये हमें गिवन हो गया, ए बी इक्वल ए सी, बी डी इक्वल डी सी, गिवन क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या बेटा, आइसोसेलस है। अब हमें प्रूव क्या करना, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्वर्ट टू ट्रायंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्वर्ट टू ट्राइंगल ए सी डी, वी हैव टू प्रूव दिस टू ट्राइंगल कॉन्वर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दिस टू ट्राइंगल, ओके, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी इसमें तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बेटा आपको, ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू डी सी और ए डी ए डी कॉमन हो जाएगा। देखो ए बी इक्वल टू ए सी, योर ये साइड इक्वल होगी, दूसरी साइड कौन सी, बी डी इक्वल टू डी सी, ये तो हमें गिवन ही है, और तीसरी ए डी ए डी कॉमन, ये कॉमन होगी, बस देखो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्वर्ट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्वर्ट हो गए। अब हमें आगे क्या प्रूव करना बेटे, ए बी पी इज कॉन्वर्ट टू ए सी पी, ए बी पी इज कॉन्वर्ट टू ए सी पी, तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा, कैसे यूज करेंगे हम, देखो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो गए बेटा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, इसको वन और टू दे देते हैं, सीपीसीडी से ये दोनों एंगल इक्वल जाएंगे, क्योंकि एंगल वन है सिंगल कट और ट्रिपल कट के बीच में, और एंगल टू भी है सिंगल कट और ट्रिपल कट के बीच में, तो एंगल वन इक्वल एंगल टू बाय सीपीसीडी, क्लियर, एंगल वन इक्वल एंगल टू बाय सीपीसीडी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, अब हमें करना है ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी को कॉन्वर्ट, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है, इसको मैं अलग भी बना लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ए बी पी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करना, ए बी पी एंड ए सी पी, तो यहां पर देखो बेटा ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, एक तो हो गया हमारा ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, दूसरा ए पी हमारा कॉमन हो गया, कॉमन साइड होगी, ए बी इक्वल ए सी हमें गिवन है, एंगल वन इक्वल एंगल टू, देखो बी ए पी को हमने एंगल वन नाम दिया था, सी ए पी को एंगल टू दिया था, एंगल वन इक्वल एंगल टू जस्ट प्रूव, अभी हमने प्रूव किया था, तो देखो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्वर्ट हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्वर्ट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड। अच्छा एक बात और भी देखो बेटा, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो गए तो बी पी इक्वल टू पी सी, बी पी इक्वल टू पी सी, ये हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ए पी ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, ये तो पूछा था उनसे,
ये भी बाइसेक्ट एंगल, अभी तो हमने एंगल ए को कर दिया बाइसेक्ट, एंगल ए को हम बाइसेक्ट कर चुके हैं, एक अपने डी को करना है बाइसेक्ट अभी, ठीक है बेटा। और एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी प्रूव करना है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी करना है, ठीक है। अच्छा एक बात है बेटा, अगर हम चलो इसको बाद में करते हैं, बीपी इक्वल टू पीसी ये हो गया हमारा, इसको भी आप संभाल कर रखना। अब हम करते हैं अब आप ये दो ट्रायंगल ले लो DBP एंड DCP, इन दोनों को कॉन्वर्ट कर लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP। इसमें क्या है BD इक्वल टू DC है, एक हमें गिवन है, और DPGP कॉमन होगी, डीपीजीपी कॉमन साइड होगी, और बीपी इक्वल टू पीसी, बीपी इक्वल टू पीसी जस्ट प्रूव, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल का हो गया बेटा कॉन्वर्ट हो, देयरफॉर ट्रायंगल डीबीपी इज कॉन्वर्ट टू ट्रायंगल डीसीपी बाय साइड साइड साइड। अब यहां से देखो बेटा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉमन थी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो, इसको थ्री और फोर ले लो, और ये एंगल इक्वल होगा फाइव और सिक्स, एंगल फाइव इक्वल एंगल सिक्स बाय सीपी सीपी सी, और एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर, ये भी सीपी सीपी। एंगल फाइव और सिक्स देखो, एंगल फाइव इसके बीच में डबल कट सिंगल कट, एंगल सिक्स के बीच में डबल कट और सिंगल कट, तो ये सीपीसीटी से हो गए इक्वल। इसी तरह बेटा एंगल थ्री और एंगल फोर भी, एंगल थ्री किसके बीच में ट्रिपल कट सिंगल कट, और एंगल फोर भी ट्रिपल कट और सिंगल कट के बीच में, तो ये भी सीपीसीटी लगी। अब एक बात और देखो, एंगल थ्री और फोर लीनियर पेयर भी तो बना रहे हैं, एंगल थ्री प्लस फोर इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। लेकिन एंगल थ्री तो एंगल फोर की इक्वल है, लेकिन एंगल थ्री किसके इक्वल है, एंगल फोर, एंगल थ्री एंगल फोर की जगह एंगल थ्री लिख सकते हैं, एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री, और एंगल थ्री क्या होगा बेटा 180 डिग्री अपॉन 290 डिग्री। तो अब हमारे सारे पार्ट्स यहां पे प्रूव हो गए, कैसे हुए, देखो एक पार्ट हमने प्रूव करना था एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, अब हमने प्रूव कर दिया एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंगल फाइव इक्वल एंगल सिक्स, वी हैव एंगल वन इक्वल टू एंगल टू एंगल फाइव इक्वल एंगल सिक्स जस्ट प्रूव। ये क्या अप्लाइज करता है कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, क्यों जी, जब एंगल वन इक्वल एंगल टू हो गया इसका मतलब एपी ने एंगल ए को क्या कर दिया टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हमने एंगल फाइव इक्वल एंगल सिक्स भी कर दिया, इसका मतलब एपी ने ही एंगल डी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, देयरफॉर एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। दूसरा हमने क्या प्रूव करना था कि एपी बीसी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, नाउ वी हैव ऑल्सो प्रूव एंगल थ्री इक्वल एंगल फोर, हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ये भी हमने जस्ट प्रूव कर दिया ना, एंगल थ्री और एंगल फोर 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया, और बीपी इक्वल टू पीसी भी हमने प्रूव कर दिया, बीपी इक्वल टू पीसी, इसका मतलब एपी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एपी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये एंगल क्या हुआ 90, अगर ये 90 तो ये भी 90 है, तो परपेंडिकुलर तो है ही है,
और इसने बीसी को थ्रू टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया बीपी और पीसी, इसका मतलब ये बीसी का बाइसेक्टर भी है, तो विच इंप्लाइज दैट एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बस यही हमने प्रूव करना था। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, और लेंथी क्वेश्चन भी था। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।